सो हे व्हाट्सअप गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज लेके आऊं आप सभी के लिए बहुत ही कमाल का वीडियो, बहुत ही कमाल के ऐप्स हैं यार। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आज बहुत कमाल के ऐप्स लेके आऊं आप सभी के लिए। यार माफी चाहता हूँ, पिछले सैटरडे को वीडियो नहीं आ पाया कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, बट हम वापस आ चुके हैं और अब आपको कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो दे पाऊं। सो अगर पहले ऐप की बात करते हैं तो उसका नाम है स्टोरी मेकर ऐप। इसकी मदद से आप काफ़ी कमाल की स्टोरीज क्रिएट कर पाएंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम के लिए हो, चाहे फेसबुक के, या वो व्हाट्सएप के लिए, ठीक है। सो इसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्टोरीज की टेम्पलेट्स हैं, जैसे पॉपुलर, फॉरेस्ट, इस टाइप की कुछ देख सकते हैं। सो अगर हम इसमें कोई एक चूज करते हैं, मान लीजिए ये, तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं, ठीक है। सो हम मान लीजिए ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ये वाला। फिर आपको इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, आप पूरा एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इमेज इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है, प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी खुल जाएगी। आप सिंपली फोटो सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सो फोटो सेलेक्ट कीजिए आराम से और फिर टिक कीजिए, और यहाँ पे कुछ इसके इफेक्ट्स मिल जाते हैं आपको। सो अगर आपको अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं, टिक, तो देख सकते हैं ऐसे कुछ इमेज हो जाएगी। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और जो इसमें पहले से लिखा हुआ है इसका साइज बढ़ा सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसको फिर से लिख सकते हैं इसमें, और नया टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, नई कोई इमेज एक और ऐड कर सकते हैं, और कुछ इमोजीज या इमोटिकॉन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल के लगते हैं। फिर सिंपली आप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा इस फोल्डर आइकन का, इस पर आपको क्लिक करना है और डाउनलोड क्वालिटी आपको सेट करनी हो हाई, और फिर ओके फिर आप देख सकते हैं इमेज हो चुकी है सेव। आपको बस डाउनलोड पे सेव पे सेट एज वॉलपेपर भी कर सकते हैं, और यहाँ पर से आप डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं इसको, और डाउनलोड तो हो ही गई है। सो काफी कमाल का ऐप है, अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। सो गाइज, नेक्स्ट ऐप की बात करते हैं तो उसका नाम है 1998 कैम। एक्चुअली में कैमरा ऐप है जो कि आपको देता है 90 रेट्रो इफेक्ट, जिसमें आपको कमाल के इफेक्ट्स कुछ मिल जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये काफ़ी सारे इफेक्ट हैं, FJ, KD, BW, ठीक है। तो आप इफेक्ट चूज कर सकते हैं, फ्लैश लाइट ऑन वगैरह, और इफेक्ट्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। तो मैं डायरेक्टली आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ जो मैंने कैप्चर की है। सो ये देख सकते हैं, ये कुछ इमेजेस हैं जो मैंने कैप्चर की हुई हैं इसी से, ये देख सकते हैं बिल्कुल रेट्रो इफेक्ट देता है, थोड़ा गंदी कर देता है फोटो को इस टाइप की, आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ कैप्चर की हुई है, ठीक है ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का इफेक्ट दे देता है जो कि काफी कमाल का लगता है। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये वाली बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, ये देखिए काफी कूल बना दिया है इसने इमेज को। सो काफी कमाल का ऐप है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल ही फ्री है। तो अगले ऐप की बात करते हैं तो उसका नाम है चार्जिंग एनिमेशन ऐप। सो ये एक इस टाइप का एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप चार्जिंग करते टाइम नीचे एनिमेशन लगा सकते हैं। सो अब उसके लिए मुझे करना होगा प्लग इन अपने चार्जर को, तो यहाँ पे पहले हम ऑफ करते हैं। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने प्लग किया। ये तो डिफॉल्ट मेरा इफेक्ट है, तो सिंपली मैं इसको ऑन करता हूँ, और मैंने एक्चुअली में टेस्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मारियो। मैं दिखाता हूँ कैसे वर्क, ये देखिए। ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिंपली कुछ परमिशंस मांगेगा आपको, उसकी एक्सेस देनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे दो सेटिंग मिलती हैं कि जब एसी चार्ज, मतलब जब आप अपने बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में जब चार्जर को प्लग करें तो कौन सा एनिमेशन दे, या फिर जब आप अपने कंप्यूटर से चार्ज करें तो कौन सा एनिमेशन दे। जब इस पर क्लिक करते हैं आपको काफ़ी सारे एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे लोड हो रहे हैं, ये देखिए, जैसे कि फैन, और बहुत सारे एनिमेशन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे बैटरी वाला, और काफ़ी सारे एनिमेशन हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी सारे एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं जो कि धीरे धीरे लोड हो जाएंगे आपके में, ठीक है। तो मान लीजिए हम ये फैन वाला इफेक्ट चूज करते हैं, और फिर ये डाउनलोड होगा, फैन वाला इफेक्ट छोटा सा होता है, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा, मैं एक बार अनप्लग करता हूँ, ये देख सकते हैं आ गया है, ठीक है। अब आपको इसकी सेटिंग्स मिल जाती हैं यहाँ पे कि आप इसका साइज, इसको रिसाइज कर सकें, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा, ओके। देख सकते हैं ये रिसाइज कर सकते हैं आप इसका, इसकी ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं कि मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाए, ये देख सकते हैं, या फिर ये पूरा कलर का दिखने लगे। और
रोटेट द एनिमेशन कर सकते हैं, ये अपने आप से आपको जिसके इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, रोटेट वाला देख सकते हैं स्पीड स्लो हो गई है सो, जो कि कमाल के हैं। और बैटरी लेवल भी बढ़ा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखने लगा है 62%, और कुछ चेंजेस भी करके काफ़ी अच्छे से बैटरी लेवल को आप दिखा सकते हैं। तो काफ़ी कमाल का ऐप है, और इसमें आपको काफ़ी सारे एनिमेशंस वगैरह मिल जाते हैं फैन वगैरह के, जो कि आप लगा सकते हैं, और काफ़ी कूल लगता है जब चार्ज होता है। ठीक है, सो गाइस अगले ऐप की बात करते हैं, तो उसका नाम है एज मास्क। सो गाइस लिटरली ये काफ़ी कमाल का ऐप है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको जब आप ओपन करोगे सो या जब ये मतलब लोड हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको परमिशंस देनी पड़ेंगी इन सभी की, तो दे देते हैं हम परमिशंस। ओके, सो इंस्टॉल सर्विस में जाके एज मास्क को आपको ऑन करना है। ठीक है, ओके सो या अब हमने सारी परमिशंस इसको दे दी है। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब करता क्या है, अब आपको मास्क चूज करना होगा, राउंडेड कॉर्नर है अगर आपके फ़ोन के, सो फ़ोन की जो नोटिफिकेशंस होती हैं ये उसके लिए है। तो इसको आप सेटिंग्स में जाएंगे जब, तो इसका कलर डिजाइन वगैरह कर सकते हैं। अब रिपल स्टाइल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी कमाल की है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको किस तरह का जो नोटिफिकेशन वाला चाहिए। सो जैसे मैं दिखाता हूँ कौन कौन से ऑप्शन है, जैसे ये रिपल स्टाइल है, ये बिग आइकॉन स्टाइल है, पर वाला ऑफ कर देता हूँ ये वाला, और ये बुकमार्क स्टाइल है, मैं बता ये वाला बुकमार्क स्टाइल है जो कि मैंने खुद सेट कर रखा था। फिर ये सैमसंग के मैसेज का स्टाइल है, और फिर ये एप्पल वाला, सो जो भी आपको सही लगे आप वो सेट कर लेना, नोटिफिकेशन के लिए आता है। और फिर यहाँ पे ये मेन फीचर है इसका, एज लाइटिंग। सो मैं दिखाता हूँ, जब इसकी सेटिंग्स में जाओगे तो इसका साइज में बढ़ा के दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं पूरे फोन के जो बॉर्डर्स हैं वो ग्लो करने लगेंगे, और इसका जो कलर है वो ऐप के हिसाब से होगा। मान लीजिए अगर आपकी व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आती है तो वो ग्रीन कलर का चलेगा, अगर यूट्यूब की आती है तो वो रेड चलेगा। ठीक है, और अगर शेयरिट वगैरह की आती है तो ब्लू, जिस तरह का उसका आइकॉन होता है उसी तरह का वो चलता है। जैसे कि फेसबुक की आएगी तो वो ब्लू कलर का चलेगा। तो काफ़ी कमाल का ऐप है, इसको भी आप साइज एडजस्ट कर सकते हैं, नॉच वगैरह फ़ोन है तो नॉच कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। काफ़ी कूल लगता है जब भी नोटिफिकेशन आती है, और म्यूज़िक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, कि जैसे ही मैसेज आए तो उसका अलग एप्लीकेशन है, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे उसकी। और एनिमेटर ड्यूरेशन और होम क्या, जब ऐप लॉक मतलब फ़ोन लॉक हो तब ये दिखाए कि ना दिखाए, काफ़ी कमाल का ऐप है। अगर आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत ही अमेजिंग ऐप्स है, इसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ठीक है, सो अब अगले ऐप की बात पे आते हैं, तो उसका नाम है क्लॉक ऐप। अब एक्चुअली में लोगों को लगेगा ये घड़ी है, अब आपको भी लग रहा है ना घड़ी है भाई, ये देखो घड़ी नहीं है भाई, ये है वॉल्ट। ठीक है, आप नॉर्मली ओपन करोगे यहाँ पे आपको अलार्म फ्राइडे वगैरह। अब इसका वॉल्ट कैसे खुलता है, सिंपली आपको सेंटर पे क्लिक करना है, फिर आपने जो पासवर्ड लगा रखा है वो आपको पासवर्ड देना होगा, फिर आपको सेंटर पे क्लिक करना है। ठीक है, सो ये वॉल्ट है। ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, अपनी इमेजेस वगैरह जो आप प्राइवेटली रखना चाहते हो। ठीक है, और इसमें फिर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, मतलब सॉरी यहाँ से आप ब्राउज भी कर सकते हैं, ब्राउजर के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके मान लीजिए ये इसमें आप यूज़ कर सकते हैं इसको आप फिंगरप्रिंट की वजह से भी ऐप लॉक लगा सकते हैं, फिंगरप्रिंट वाला। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को पता चल गया कि ये वॉल्ट है, ठीक है, आपने जो इमेज रखी है वो आप प्राइवेट रखना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक फेक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा कि जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, तो जैसे अगर कोई फेक पासवर्ड, अगर आप मान लीजिए मैं 430 इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, फेक पासवर्ड, ओके ठीक है, तो ये सेट हो चुका है। तो अब मैं अपनी मेन वॉल्ट में पहले मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एक इमेज मैं अपनी मेन वॉल्ट में ऐड करता हूँ पहले। ठीक है, सो मैंने ये वाली इमेज मेन वॉल्ट में ऐड कर दी है। ठीक है, तो मैंने एक इमेज वन मतलब वॉल्ट में ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, सो अब हम इसको खोलते हैं, मान लीजिए मैं अपना नॉर्मल वाला खोलूंगा पहले, ये मेरी वॉल्ट का पासवर्ड है। ठीक है, तो किया सो
ये आपको इमेज देखने को मिलती है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को पता चल गया कि ये वॉल्ट है, तो आप क्या करोगे? आप पासवर्ड आराम से इंटर करो, फेक पासवर्ड वॉल्ट, ठीक है, ये फेक पासवर्ड कुछ है ही ना, देख रहे हो ये है फेक पासवर्ड, मतलब आप फेक पासवर्ड इंसर्ट करो कुछ है ही नहीं अंदर पड़ा। तो काफी कमाल का ऐप है चीजें हाइड करने के लिए, अगर आपको करना है तो डाउनलोड कर लेना, काफी कमाल का ऐप है यार। और अगले ऐप के ऊपर बात करते हैं तो उसका नाम है कैम कोवर। असल में ये मैंने ऐड कर लिया, बट आपको डाउनलोड करना है करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो कैमकॉव नाम है इसका, आप इसको डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर अवेलेबल आई थिंक नहीं है, मैं लिंक दे दूंगा। तो जब इसको अनेबल करोगे, सो एक्चुअली में ये स्क्रीन कैमरा एप्लीकेशन है, ये देख सकते हो वैसा, मतलब ये आपके ऊपर मर्जी करता है, आपको डाउनलोड करना हो करना, मत करना हो मत करना, ये आपके लिए बेस्ट है अगर आप चैट ऐड करते हो और अगर कोई देख रहा है आपके में, तो उसको ज़्यादा क्लियरली नहीं दिखेगा आप किससे चैट वगैरह कर रहे हो। सो या पीछे कैमरे आने की वजह से क्लियर नहीं दिखता है, ये देख सकते हो हम कुछ भी दिखाएं तो वो सब दिखेगा। सो अगर आपको डाउनलोड करना है तो कर लेना, कोई फोर्स नहीं है इस ऐप के लिए, क्योंकि ये ऑप्शनल है, मैंने मुझे मिल गया तो मैंने कहा बता दूं अगर आपके काम आ जाए। सो गाइस ये थे कुछ आज के कमाल के वीडियो, तो गाइस ये थे कुछ आज के कमाल के ऐप्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो यार लाइक ज़रूर करना, क्योंकि उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है हमारे वीडियो बनाने के लिए। और लाइक कर देना और कमेंट बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।